Welcome to the second episode of Myths and Facts. Liver Day is across the corner on 19th April, and we have two legends with us. Dr. Subrat Kumar Acharya, who is the Executive Director, Gastroenterology and Liver Disease at Fort Jesus Scott Sokla. He is an ex-head of AIIMS and is a Padma Shri. Welcome, sir. Thank you. The second doctor what we have in our talk is Dr. Pankaj Puri. He is the Director, Gastroenterology at Fort Jesus Scott Sokla. Welcome, sir. Thank you very much. So, sir, liver disease हर घर में है. सो आज हम बात करना चाह रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो लोगों के माइंड में होते हैं, मिथ्स हैं उनके बारे में. सो पहला सर, सुब्रत सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सबके माइंड में यही है, लोगों के माइंड में, कि लिवर डिजीज ट्रीटेबल नहीं है. हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस. आई थिंक दैट्स ए एब्सोल्युटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट, गलत कॉन्सेप्ट. मोस्ट ऑफ द लिवर डिजीज आर ट्रीटेबल एंड नाउडेज आई से मेनी ऑफ देम आर क्यूरेबल. सारे लिवर की बीमारी हम इलाज कर सकते हैं और काफी लिवर की बीमारी को हम कंप्लीटली ठीक भी कर सकते हैं, उसमें शक की कोई बात नहीं. बट लिवर डिजीज का कारण बहुत सारे होते हैं, देयर आर मेनी कॉजेस ऑफ लिवर डिजीज. क्वेश्चन इज, लिवर डिजीज को अप्रोच करने के लिए वन हैज टू नो स्पेसिफिकली द अप्रोच इन ए वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमेटिक मैनर. क्या कितना खराबी है, किस लिए खराबी है, उसका सिक्योलीज क्या है, उसको किस स्टेज में है, उसको एसेस करते हैं हम. अकॉर्डिंगली हम स्पेसिफिक इलाज एंड सपोर्टिव इलाज कंबाइन करते हैं. वेरी ट्रू. पहले हम सोचते थे सिरोसिस तो ट्रीटेबल ही नहीं है, सर, इररिवर्सिबल प्रोसेस. नाउ वी नो दैट मेनी ऑफ दीज इलनेसेस व्हिच वी थॉट वर इररिवर्सिबल एंड एंड स्टेज आर रिवर्सिबल. जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल बंद करने के बाद लिवर रिकवर करता है. ऑटोइम्यून लिवर डिजीज है, हम बीमारी को पकड़ें, उसके लिए अप्रोप्रिएट थेरेपी दें, तो ये सब रिकवर करती हैं. सो ऑल हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, फैटी लिवर डिजीज, अल्कोहलिक लिवर डिजीज, ड्रग इंड्यूस्ड लिवर डिजीज, राइट, ऑटोइम्यून लिवर डिजीज, सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस, इवन ऑल दीज थिंग्स एट ए प्रॉपर स्टेज आर कंप्लीटली रिवर्स. ट्रू, वी सी इट. My point I'm saying is, when we thought that cirrhosis was irreversible, we as doctors learned that cirrhosis is irreversible. But why now we know that even cirrhosis is reversible. Thank you, sir. Second question again to you, sir. Cirrhosis is not reversible. ये again एक बहुत बड़ा myth है. Dr. Pankaj Puri ने बताया कि cirrhosis एक stage में, मैं बताया ना, liver disease जब होता है हम उसका कारण ढूंढते हैं, stage ढूंढते हैं, sequelae ढूंढते हैं, complication ढूंढते हैं, ऐसे इलाज करते हैं. सिरोसिस एक पर्टिकुलर स्टेज में कंप्लीटली रिवर्सिबल, बट आप सिरोसिस को ट्रीट करोगे एकदम एंड स्टेज में, राइट, जब पूरा घर टूट गया है, व्हेन द होल हाउस इज ब्रोकन, राइट, यू नीड अ न्यू हाउस, यू कैन नॉट रिपेयर इट, राइट. एंड सेकेंड थिंग, किसको सिरोसिस होगा उसका रिस्क फैक्टर भी पता है आपको. लोगों को पता करना चाहिए कि किस किस, व्हाट इज द रिस्क फैक्टर फॉर व्हिच दे शुड टेस्ट देमसेल्फ फॉर लिवर डिजीज. And at the early stages of even cirrhosis, they are completely reversible. True. If only if पेट में पानी भर गया है, खून की उल्टियाँ आ रही हैं, patient encephalopathy में है, बहुत advanced disease है, तब reversible के chances कम होते हैं. देखो, सारे medicine में, सारे disease में, even cancers, if you particularly identify it in a particular stage, it's curable. But जब cancer पूरा फैल गया है, it is difficult to treat. So cirrhosis, पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट था सिरोसिस एक बार होने से रिवर्स नहीं कर सकते, वो गलत है. सिरोसिस रिवर्स कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेड है, अभी वर्ल्ड ओवर पीपल बिलीव इट. हम लोग मैकेनिज्म भी जानते हैं कैसे रिवर्स करना है, बट रिस्क फैक्टर भी जानते हैं किसको स्क्रीन करना है. बट क्वेश्चन इज, जैसे कैंसर में बताया पूरा फैल गया है, वो क्योर तो नहीं होगा. सपोज सिरोसिस बहुत एडवांस हो गया, मल्टीपल सिक्लीज हो गया, मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन हो गए, तब भी हम उनका जिंदगी लंबा कर सकते हैं, इवन लिवर ट्रांसप्लांट करके उनको क्योर कर सकते हैं. सो वो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गई. सो ये इसको माने कि मैं लिवर डिजीज को डिटेक्ट कर सकता हूँ, स्क्रीन कर सकता हूँ ब्लड टेस्ट करा के. ब्लड टेस्ट करके लिवर बीमारी जरूरी नहीं पकड़ी जाती है. लोग सोचते हैं कि मैं शराब पीता हूँ और हर 3 महीने में ब्लड टेस्ट करता हूँ, उसमें कुछ नहीं मिला, मेरा लिवर ठीक ठाक है. गलती है. और कई बार ये लोग आते हैं समय के साथ में, एडवांस लिवर फेलियर के साथ में, डायबिटिक हैं, मोटे हैं, तो हर रेगुलर ब्लड टेस्ट होते हैं, लेकिन बीमारी ऐसे नहीं पकड़ी जाती है.
पेशेंट को एग्जामिन करना चाहिए, पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, जरूरी है, तो कोमॉर्बिड फैक्टर्स जैसे कि एसोसिएटेड हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, अल्कोहल इंटेक, इन चीज़ों को देखना है। ज़रूरत है तो लिवर की स्टिफनेस, हार्डनेस चेक करनी है, अल्ट्रासाउंड करना है। खाली ब्लड टेस्ट करने से लिवर की बीमारी नहीं पकड़ी जा सकती।